नमस्कार, मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं न्यूज़ समय। हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। सर, टेन न्यूज़ में सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। सर, 2022 गुजर रहा है, अंतिम पड़ाव की ओर है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो 2022 में आपकी लोकसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं, लोक कल्याण के कार्य हुए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि इस लोकसभा क्षेत्र में मैं 40 वर्षों से रह रहा हूँ और वो 40 वर्ष मैंने इस 1 नवंबर 2022 को पूरे किए हैं। मैंने इस विकास की यात्रा को बहुत करीब से देखा है, लेकिन पिछले अगर हम 6 वर्षों का हमारा उत्तर प्रदेश का शासन और लगभग 8 वर्षों का देश का शासन में जितने गुणात्मक विकास के कार्य गौतम बुद्ध नगर में हुए हैं, मैं स्वयं इसका गवाह रहा हूँ और आप मीडिया के लोग और देश क्षेत्र के लोग भी इस बात के गवाह हैं कि जितना विकास का कार्य, बहुत बड़े जो कार्य हुए हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज देश का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस क्षेत्र में बनने जा रहा है और दिसंबर 2023 तक उस पर एक हवाई पट्टी चालू हो जाएगी, ऐसा विश्वास मुझे हमारे जो मंत्री हैं वो नागरिक उड्डयन मंत्री, उन्होंने मुझे दिलाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो तैयार भी होगा। उसके साथ साथ 4-4 नेशनल हाईवेज का एक समागम बिंदु यहाँ पर बना है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, पूर्वांचल कॉरिडोर, साथ के अंदर यहाँ से मथुरा एक्सप्रेसवे से होकर आगरा और अली द्वारा लखनऊ तक जाने वाला कॉरिडोर, और इन सब कॉरिडोरों का जंक्शन आज गौतम बुद्ध नगर बन गया है। तो आज देश नहीं, पूरे देश के कोने कोने से आज नोएडा गौतम बुद्ध नगर जुड़ रहा है, हवाई अड्डा होने के साथ साथ, आईवे होने के साथ साथ किस तरह के और विकास के कार्य यहाँ पर हुए हैं। मैं जब संस्कृति व पर्यटन मंत्री था, यहाँ पर 300 करोड़ की लागत से ग्रेटर नोएडा के अंदर एक बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी बना है, सेक्टर 62 में पहला इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियोलॉजी बना है, जो हमारा बहुत एक इंडिया हैबिटेट सेंटर की नाक पर तर्ज पर एक बनने वाला नोएडा हैबिटेट सेंटर बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। चिल्ला रेगुलेटर से जो एक ट्रैफिक जाम होता था सेक्टर 15A के सामने से, अब वहाँ से सीधा एक करीबन 800 करोड़ रुपए की लागत से उस पर भी काम शुरू हो गया है। मेट्रो का जाल, और अभी आपने 3 दिन पहले सुना होगा कि बॉटनिकल गार्डन से लेकर सेक्टर 142 और 148 वाले का मार्ग भी लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से यह भी मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकारी हॉस्पिटल में गुणात्मक परिवर्तन आए हैं, सड़कों का रखरखाव, सौंदर्यकरण और सफाई की दृष्टि से आज गौतम बुद्ध नगर नोएडा अपनी पहचान बना चुका है, बल्कि पहले 5 और 10 देश के शहरों के अंदर इसका नाम गुना जाने लगा है, लोग महसूस कर रहे हैं। बिजली की आपूर्ति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, 24 घंटे बिजली देने का जो सपना था, लेकिन पिछले 15 वर्षों से एक भी नया बिजली घर नहीं लगाया गया था, करीबन 13,000 करोड़ की लागत से मेरे ही लोकसभा क्षेत्र खुर्जा अर्निया में 1280 मेगावाट का पावर प्लांट लगभग बनकर तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि इतने विकास के कार्य हुए हैं, इंडस्ट्रीस्टों के हित में बहुत फैसले लिए गए हैं। आज ही मैं देख रहा हूँ बोर्ड बैठक में बिल्डर्स बायर्स की जो समस्या एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बन गई है, उस पर सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं और बिल्डरों को भी इसमें करके उनकी दिक्कत है, उन पर भी ठीक किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा हित बायर्स का रखा गया है। रजिस्ट्री ना होने के कारण कल जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें भी रिलैक्सेशंस दिया गया है कि रजिस्ट्रियाँ भी तेज़ी से की जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये क्षेत्र सौभाग्यशाली है कि मुझे यहाँ काम करने का भी मौका मिला है, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ और क्षेत्रवासी भी। हम दिल्ली में तकनीकली NCR का हिस्सा है, तकनीकली दृष्टि से हम UP में हैं, लेकिन दिल्ली NCR का हिस्सा होने के कारण यहाँ की सुविधाएं दिल्ली से लोग कंपेयर करते हैं और उसमें हम कहीं एक अच्छे स्थान पर खड़े हैं। सर, 2023 में आपके लोकसभा क्षेत्र में आपका क्या प्लान रहेगा विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, क्या आप विशेष कदम उठाएंगे? देखिए, हर वर्ष एक नई उम्मीदें, नई आशाओं के साथ, नई अपेक्षाओं के साथ हम लोग शुरू करते हैं और एक अपना कोई ना कोई एजेंडा बनाते हैं, कुछ अपने विश्वास हम अपना रखते हैं कि हम इन कामों को पूरा करेंगे। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के लोगों को भी, अपने यहाँ लोगों को भी, कि G20 की देश को मेज़बानी का मौका मिला है 1 जनवरी से और उसकी एक बैठक यहाँ अपने नोएडा गौतम बुद्ध नगर में भी होगी। देश विदेश के पूरे लोग, 140 कंट्रियों के देश के लोग यहाँ लगभग आएंगे।
उन्हें हमें शोकेस करने का मौका मिला है कि हम अपने शहर को सफाई रखेंगे, जो और सार्वजनिक समस्याएं हैं ट्रैफिक कंजक्शन से लेकर उन पर हम ध्यान देंगे, और साथ साथ जो पॉल्यूशन की एक हमारी समस्या है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे कि ये क्षेत्र प्रदूषण की दृष्टि से भी ठीक रहे। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सुरक्षा, सफाई और इन सभी विषयों का ध्यान रखते हुए G20 की मेजबानी की तैयारी हम रखेंगे। एक विषय प्रधानमंत्री जी ने 1 जनवरी से इस साल को मिलेट्स ईयर डिक्लेयर किया है। मोटा अनाज, पहले सामान्यतः ये माना जाता था कि ज्वार बाजरा गरीबों का भोजन है, अब यूनाइटेड नेशंस ने भी और डॉक्टरों ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मोटे अनाज की न्यूट्रिशन वैल्यू अन्य अनाजों से, गेहूं चावल से भी बेहतर है। उनमें ये कहा गया है कि इनका उपयोग अधिक से अधिक हम लोग करें, और ये पाचक भी है और किसान के लिए भी लाभप्रद है। सर, इस वर्ष 2022 में आपने ऐसे कौन से मुद्दे उठाए हैं जो लोक कल्याण के लिए थे, विकास के लिए? पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट देखिए, पार्लियामेंट में अभी आपने 1 सप्ताह पहले ही हमने जो बिल्डर बायर्स की समस्या थी उसको उठाया था। उससे करीबन 2 माह पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय का विषय हमने लोगों ने उठाया था कि केंद्रीय विद्यालय की संख्या बढ़ाई जाए। नोएडा को बने हुए 40 साल हो गए लेकिन केंद्रीय विद्यालय आज भी नोएडा में एक गेट रोड, उसको उठाने का मुद्दा उठाया था। समय समय पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में, इन बैठकों के अंदर हम और विषयों को भी उठाते रहते हैं। सर, वर्ष 2023 में कौन से मुद्दे आप उठाने वाले हैं? देखिए, ये समय के अनुसार होते रहेंगे, जो जो समस्याएं आती रहेंगी उन समस्याओं को हम पार्लियामेंट में अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी लेवल तक या अन्य अधिकारियों के लेवल पर उन्हें उठाते रहेंगे, उनका समाधान भी कराएंगे। सर, वर्ष 2023 आने वाला है, क्या संदेश आप अपने गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को देना चाहेंगे, और विशेषकर एक कोरोना का फिर से आ रहा है वेरिएंट, आप स्वास्थ्य विभाग से भी संबंधित हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप विशेष इसके बारे में? देखिए, 10 न्यूज़ ने अपनी एक पहचान बनाई है और मैं 10 न्यूज़ की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आज वो दिन की सभी नोएडा वासियों की, आसपास के क्षेत्र के लोगों की जीवनचर्या का एक हिस्सा बन गया है। उस पर नज़र रखकर लोग जो हमारी नई से नई खबरें हैं और पारदर्शिता के साथ उन खबरों को दिखाता है, मैं उनके माध्यम से क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा कि ये शहर, ये गौतम बुद्ध नगर हमारा है, अपना है। आज हम इसकी शान में अपने जीवन से कुछ समय लगाकर यहाँ की सफाई व्यवस्था, यहाँ की सार्वजनिक जो समस्याएं हैं, जो कुछ कुरीतियाँ यहाँ पर हैं, उनसे अपने आप को मुक्त करेंगे, प्रदूषण रहित रहेंगे, और कोरोना जैसी महामारी फिर विश्व में दस्तक दे रही है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में आज देश ने जो इतिहास रखा है, 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल गई है, और वो वैक्सीन भी सामान्यतः देश के लोगों को वैक्सीन जब मिलती थी जब यूरोपीय वर्ल्ड में वैक्सीन लग चुकी होती थी। आज हम उसमें लीडर हैं, हम अपने देशवासियों को नहीं दूसरे विश्व के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। ध्यान रखें, मास्क का उपयोग ज़रूर करें, सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी का जो हमारा सिद्धांत है अपने आप को इस बीमारी से बचाने का, उसका उपयोग हम ज़रूर करें। टेन न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नंबर बहुत ही मंगल, आपको बहुत बहुत बधाई सर।